अरे बच्चों, आप सबको भी स्वागत है। हम तो पिछले क्लास में स्वर और उनकी मात्राओं के बारे में अध्ययन किया था और आ मात्रा में आने वाला कुछ शब्दों को भी हम तो अध्ययन किया था। आज हम ई मात्राओं के कुछ शब्दों को जान लेंगे। मधुमकड़े ना हिंदी तरगति स्वर मत स्वर मात्रिके बे अध्ययन में स्वर मत व्यंजन रेखा समरचक रेखाए यह अध्ययन मकड़े ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಸ್ವರದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅ ಆ ಇ ಉ ಉ ಋ ಎ ಐ ಓ ಔ ಅಂ ಅಹ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಒಂದು ಮಾತ್ರಿಕೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯೊಳಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ನೋಡಿ, ಅ ಆ ಇ ಉ ಉ ಋ ಎ ಐ ಓ औ अम अह और उनमें आने वाला आ अक्षर मात्रिकाओं के बारे में हम पिछली क्लास में अध्ययन किया था। आज हम ई स्वर में आने वाला यानी मात्रा में आने वाला कुछ शब्दों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ई इसका मात्रा है, इस तरह इसका मात्रा आता है। आप सभी भी हैं वहाँ पेज नंबर यानी पुट संख्या 36 इस पुट को देखिए, देखते हुए उन अक्षरों को किस तरह लिखना है, उसका मात्रा है, किस तरह प्रयोग होता है, उसके बारे में देखते हुए क्या करो, आपके किताबों में लिखो। मधुमकड़े ई वंदु पुट संख्य 36ने पुट संख्य ओळगे ई मात्रिकेगळन्न कोट्टिद्दारे। ई मात्रिकेगळन्न नीवु एनु माड्रि नोडि अदन्न निम्म वंदु पुस्तकदोळगे अभ्यास माडि। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಾತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಬರಿತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆಲಿಸುತ್ತಾ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ವಹ ಏಕ ಕಿತಾಬ್ ಕಾ ದೃಶ್ಯ ದಿಖಾಯಾ ಹೈ, ವಾ ಮಾತ್ರ ಕಿಸ್ ತರಹ ಆತಾ ಹೈ ವಾ ದಿಯಾ ಹೈ, ಕಿತಾಬ್ ಯಾನಿ ಏಕ ಪುಸ್ತಕ ಕೋಲಾ ಹುವಾ ಪುಸ್ತಕ ಕೋ ವಾ ದಿಯಾ ಹೈ, ಔರ್ ಉಸಿ ತರಹ ख अक्षर वहाँ ई मात्रा का प्रयोग किया है। उसका प्रयोग किसान, उसी तरह ग उसका मात्रा गिटार, उसी तरह ह ई मात्रा हिरण। यहाँ चार शब्दों को चार चित्रों को दिया है बच्चों, देखते हुए वहाँ आप सभी भी लिखने का प्रयास करो। मधुमकड़े ई वंदु 36ने वंदु पुट संख्य ओळगे निमगे केलोंदिष्टु दृश्यगळन्नु कोट्रा ई मात्रिकेयल्लि बरुवंत ओंदु केलोंदु शब्दगळन्नु कोट्रा आ ओंदु मात्रिकेगळन्नु गुर्तिसुत्ता शब्दगळन्नु बरेयिरि। क आ क ई मात्र कुडिसिदाग किताब, इसका कन्नड में अर्थ है पुस्तक। उसी तरह क ई मात्रा किसान, रायता। उसी तरह ग ई मात्रा गिटार। उसी तरह ह ई मात्रा हिरण, जिंके। ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬರೆಯುತ್ತಾ ಅದರ ಅರ್ಥನ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಸಾಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ಅಕ್ಷರ ಉಸ್ಕಾ ಈ ಮಾತ್ರ ದಿನ್, ದಿನ. ಉಸಿ ತರ ಚ ಅಕ್ಷರ ಈ ಮಾತ್ರ ಚಿತ್ರ, चित्र। श ई मात्रा शिला, शिले। म मात्रा सॉरी म अक्षर ई मात्रा मित्र,
स्नेहित और इसी तरह द व्यंजन उसको ई मात्रा, दिल कन्नड़ में अर्थ हृदय, उसी तरह त व्यंजन ई मात्रा, तिल यल्लु न व्यंजन ई मात्रा, निधि यानी संपत्तु। स व्यंजन ई मात्रा सिर तले। उसी तरह कुछ शब्दों को वहाँ आपको लिखने के लिए वहाँ दिया है, उन अक्षरों को आप क्या करो घर में पढ़ते हुए लिखो बच्चों। मकड़े इधर रीत है कि केलोनिष्ट ई मात्रेगळन्नु कोट्टिद्दारे, ई मात्रे ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀರಿ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ. ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥ ತಿಳಿಲಾರ್ದಾಗ ನೀವು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತೇವಂತೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಚ್ಚೋ ಆಪ್ಕೊ ಅಗಲ ಮಾತ್ರ ಹೇ ಈ ई, इस मात्रा का मात्रा है इस तरह है. देखो बच्चों यहाँ आप सभी भी देखिए पुट संख्या 37 वहाँ एक पंच का चित्र दिखाया है, उसका मात्रा है छील. छील का मतलब हद्दु. क उसका ये मात्रा मिलकर खीरा. और भ ई मात्रा बिन. स ई मात्रा सीढ़ी. बिन का अर्थ है कन्नड़ में गधे. उसी तरह सीढ़ी का सालु, इसका अर्थ खीरा, इसका अर्थ मैं कल आपको बताऊंगा. देखो बच्चों वहाँ मात्राओं को किस तरह प्रयोग किया जाता है उस पर आप क्या करो ध्यान रखो. मकड़े इले ये ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ನೋಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬರೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕುಚ್ ಶಬ್ದ ವಹಾ ದಿಯಾ ಹೇ ಓ ಸಬ್ಕೋ ಭೀ ಆಪ್ ಪಡ್ತೆ ಹುಯೆ ಲಿಖಿಯೇ. ಪ ವ್ಯಂಜನ್ ಈ ಮಾತ್ರ ಕಾ ಉಪಯೋಗ ಪೀಲಾ, ಇಸ್ಕಾ ಕನ್ನಡ ಮೇ ಅರ್ಥ ಹೇ ಹಳದಿ. न व्यंजन ई मात्रा नीला, नीली. ग व्यंजन ई मात्रा गीत हाड़ो. ब व्यंजन ई मात्रा बीमार.
अनार हो गया, ज्य व्यंजन, ई मात्रा, जीवन, जीवन, द व्यंजन, ई मात्रा, दीवार, घोड़े। देखो बच्चों, आप सभी भी हैं घर में इन अक्षरों को पढ़ते हुए क्या करो, लिखो और ई मात्राओं के अक्षरों को अभ्यास करो। इस तरह अभ्यास करने से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ई मात्रा वाले अक्षरों को आप समझ सकते हैं। इसलिए आप घर में इन अक्षरों को पढ़ते हुए लिखिए। मकड़े, ये कोट्टिरुवंत ई मात्रेगळ अक्षरगळन्न मनेयल्लि नीवु मत्तोम्मे ओदुत्ता बरेयिरि। ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಾಕ್ಷರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗುವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತಾ ಬರೆಯಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅವರು ಸಿತರ ಊ ಮಾತ್ರ, उ मात्रा, उ स्वर उसका मात्रा है। इस तरह ग व्यंजन उसका मात्रा है, उ यानी इस तरह नहीं गलत हुआ, क्षमा कीजिए, उ गुलाब, गुलाबी, प व्यंजन, प व्यंजन अक्षर को उ मात्रा मिलने से पुलिस, आरक्षक अथवा पुलिस, ग व्यंजन उ मात्रा, गुड़िया, गोम्बे, क व्यंजन उ मात्रा। इस तरह भी आप क्या कर सकते हैं, इन अक्षरों को आप मात्राओं को लिखते हुए अभ्यास करो। इस तरह अभ्यास किया तो आपको जल्दी से जल्दी उन अक्षरों को आप सीख सकते हैं। इस तरह मात्रा आता है, आप समझ लीजिए। वो मात्रा, कुतार, कुर्ता, क्षमा कीजिए, कुर्ता, जुब्बा, उसी तरह म व्यंजन को उ यानी उ मात्रा है, मुनि, ऋषि, सुव्यंजन उ मात्रा, सुधा, सुधा का अर्थ नाम भी होता है और एक अर्थ होता है अमृत,
पक्षी ख व्यंजन पु मात्रा खुशी संतोष आनंद क व्यंजन वो मात्रा कुशल आरोग्य द व्यंजन उसको वो मात्रा दुकान अंगड़ी इस तरह वो मात्राओं का अक्षर आ जाता है। बच्चों आप सभी भी इन मात्राओं को क्या करो घर में अभ्यास करो और उ यानी उ आता है ना उस शब्दों का बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब उ मात्रा में आने वाला कुछ शब्दों को उ इसका मात्रा इस तरह आ जाता है द व्यंजन इसको उ इस व्यंजन का मात्रा इस प्रकार होता है दूध हालो छ व्यंजन उ मात्रा चूहा इली म व्यंजन उ मात्रा मूली मूलंगी छ व्यंजन उ मात्रा छुड़ी बड़े प व्यंजन उ मात्रा पूजा पूजे स व्यंजन उ मात्रा सूरज सूर्य न व्यंजन उ मात्रा नूतन होसदाद बच्चों आप सभी भी यहाँ आपको मैं आज बताया ना इन मात्राओं को घर में क्या करो अभ्यास करो। अगले मात्राओं को मैं अगले क्लास में आपको बताऊंगा। और इन आज कितने अक्षरों को मैंने आपको बताया ना उन सब को भी घर में अभ्यास करते हुए क्या करो लिखने का प्रयास करो और ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिए तो आपका ज्ञान भी बढ़ सकता है। इसलिए आप अभ्यास करो बच्चों। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।